लोहड़ी शगना दी ओ माइया, लोहड़ी शगना दी ओ माइया, मापे तेनु देन दुआ, तेनु खुशियां दी लो माइया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नृत्य श्री दीपक दत्ता है और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल मीनन साहिब में नृत्य प्रशिक्षक हूं। लोहड़ी के इस त्योहार पर आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्रों में बहुत ही जोश था। बच्चे घर पे थे और इस त्योहार को उन्होंने बहुत बखूबी तरीके से मनाया और अपनी परफॉर्मेंसेस को निभाया। तो उन्हीं परफॉर्मेंसेस का गुलदस्ता मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं इस लोहड़ी फेस्टिवल में। आशा करता हूं आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं। Teachers, classmates, and all my dear friends. Here is Mahima Chaudhary from class 8C for today's dance on Lohri. So let's start.
सुप्रभात प्रधानाचार्य जी, अध्यापिका जी एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आयुषी कक्षा 9वीं ब की छात्र आप सबके समक्ष लोहड़ी के ऊपर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही। लोहड़ी उत्तर भारत और खासकर पंजाब का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन लोग अपने घरों के और चौराहों के बाहर लोहड़ी जलाते हैं। आग का एक घेरा बनाकर दूल्हा भट्टी की कहानी को याद करते हुए लोग मूंगफली, रेवड़ी और फूले खाते हैं। यूं तो लोहड़ी को मनाने के कई कारण हैं, तो आज के इस व्याख्यान में हम लोहड़ी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के चार मुख्य कारण जानेंगे। पहला कारण, लोहड़ी के दिन रबी की फसल काटी जाती है और घरों में लाई जाती है, जिसका जश्न मनाया जाता है। इसी के साथ साथ गन्ने की फसल भी बोई जाती है और पुरानी फसल को भी काटा जाता है। इसी की खुशी में लोहड़ी मनाई जाती है। दूसरा कारण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोहड़ी जनवरी के महीने में आती है और जनवरी का शुरुआती महीना ठंडा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि लोहड़ी के बाद से धीरे धीरे दिन बढ़ने लगते हैं और ठंड कम होने लगती है। इसी की खुशी में लोहड़ी बनाई जाती है। तीसरा कारण, पुराणों के आधार पर इसे सती के त्याग के रूप में भी प्रतिवर्ष याद कर मनाया जाता है। कथा अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती के पति महादेव को यज्ञ में आमंत्रित ना कर उनका तिरस्कार किया था, तो इससे क्रोधित होकर माता सती ने अपने आप को उसी यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया था और इसी दिन के पश्चाताप के रूप में हम लोहड़ी को मनाते हैं। चौथा कारण, दूल्हा भट्टी की एक ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है। दूल्हा भट्टी जो अकबर के शासनकाल में पंजाब का पुत्र और रॉबिन हुड ऑफ पंजाब के नाम से भी प्रसिद्ध थे, यूं तो वो दिल के काफी ही अच्छे थे, लेकिन वे अकबर की नजर में एक डकैत थे, क्योंकि वो अमीर जमींदारों को, ठेकेदारों को और सिपाहियों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। दूल्हा भट्टी ने अकबर को इतना सताया कि अकबर को मजबूरन अपनी राजधानी आगरा से बदलकर लाहौर में शिफ्ट करनी पड़ी और उसी समय से लाहौर का विकास भी हुआ। दूल्हा भट्टी मुगल सल्तनत के सारे कायदों का विरोध करते थे और वह यह मानते थे कि जितने भी कायदे बनाए गए हैं वो सारे कहीं ना कहीं गलत हैं। भारत का उत्तरी हिस्सा जो अब पाकिस्तान के अंदर है, उस समय वहां पर लड़कियों की बाजरी की जाती थी, यानी लड़कियों को पैसे के लिए बेच दिया जाता था और ये मुगल सल्तनत के अंदर ही था, और दूल्हा भट्टी इसका विरोध करते थे और उन्होंने कई बार लड़कियों को इस दुष्क्रम से बचाया भी था। लोहड़ी का एक प्रसिद्ध संगीत सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बिचारा दूल्हा भट्टी वाला, इसमें सुंदरी और मुंदरी वो दो प्रसिद्ध लड़कियां हैं जिनके मामा उन्हें पैसों के लिए किसी और इंसान को बेचने जा रहे थे। दूल्हा भट्टी ने ये खबर सुनकर उन दोनों लड़कियों का अपहरण कर लिया और उन दोनों की शादी दो अच्छी लड़कों से करवा दिए, और ऐसे ही ना जाने दूल्हा भट्टी ने कितनी लड़कियों की जिंदगी बचाई थी। और दूल्हा भट्टी की इसी बहादुरी का सम्मान करते हुए भी हम लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। धन्यवाद, आप सबका दिन मंगलमय हो और आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। Yeah.
जी रख दे।
रंधीरा हो गया अभी तक बाहर से जल्दी करो 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 तो लोग लोड मना रहे हो बोलेंगे तुम्हारा तो यही कहा। ईंटा क्यों फेंक रहे हो? इतने सारे ने डाल दिया ना तो बीच में नहीं डाला किसको पता चल रहा है। आपने डाला कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस में? पता नहीं उसके पापा को लेके गए मतलब आपने खींच लिया ना? आपने खींच लिया? आपने मम्मा पापा आपने पता खींच नहीं किया? इतने सारे लोग नहीं सबको डालना है। वही तो सोचे थे सब डालेंगे एक में। तो कैसी लगी आपको बच्चों की परफॉर्मेंसेस? मुझे तो बहुत मजा आया। आरी पब्लिक स्कूल की समस्त कार्यकारिणी की तरफ से आप सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी तरफ से वो कहते हैं ना, टोडा पाई टोडा, टोडे पर साग, साग पर मर्च, मर्च लगी कोड़ी। और मेरी तरफ से यानी कि नृत्य श्री दीपक दत्ता की तरफ से आप सबको हैप्पी लोहड़ी। बाय बाय।